कौन सी क्लास में? मेरी क्लास में। अच्छा आप कौन सी क्लास में? उसकी क्लास में। अरे यार अंजु क्यों झूठा? नहीं झूठा बोला। झूठे बोला? नहीं सच्ची। हाँ ओके अब दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। अरे आइए सामने। अरे यार तुम सब्जेक्ट मत चेंज करो। झूठ दूध का दूध पानी का पानी अभी होगा। ऐसे देखा बेटा आप दोनों एक ही क्लास में? मतलब कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप दोनों? सिक्स में। सिक्स में? एक बार बोलो। नहीं नहीं सेवन में। सेवन में? हाँ। बेटा आप सेवन में पढ़ते हैं? हाँ वरना क्या लगा क्या कुछ हाई कर रहा हूँ? हाई कर रहा हूँ क्या? हाँ बोलना बोल। नहीं नहीं हाई कर रहा हूँ। चुप रहो बेटा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? थर्ड सी में पढ़ते हैं। थैंक यू बेटा प्लीज बैठिए। थैंक यू। क्या यार बच्चों वो थर्ड सी में पढ़ता है और तुम कह रहे हो सिक्स में है सेवन में? क्या यार क्या लगा था यार थर्ड का और सिक्स का? प्लीज यार करा दिया सबके सामने बेइज्जती यार। अरे तो मुझे क्यों डांटा है? तुझे नहीं डांटा तो किसे डांटू? अरे उससे डांट उससे। अरे उसे क्यों डांटू? अरे तीन साल फेल हो गया तो मैं क्या करूं? अरे यार तुम्हें नहीं नहीं वो हमारा होशियार बच्चा है यार तीन साल के। अरे कोरोना तो मिला ही नहीं ना उसे ऑनलाइन था ना। अच्छा ऑनलाइन था क्या? चुप रहो यार प्लीज। देखो तुम वैसे ही माहौल को ये कर रहे हो। नहीं नहीं वो हमारा होशियार बेटा है। सो आगे बढ़े। हाँ आगे। सो एक अच्छी शायरी आइए आइए सर। अलका क्या सर में और मुझ में सिमिलरिटी? भाई साहब में और तुम में सिमिलरिटी? हाँ क्या? उनके टी शर्ट का कलर और मेरी शर्ट का कलर सेम है ना? बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते सर। ओके तो आगे बढ़े। हाँ। अच्छी शायरी हो जाए। दूर से देखा, दूर से देखा तो शेर आ रहा था। तो शेर आ रहा था। आगे आगे बताओ। दूर से देखा तो शेर आ रहा था। दूर से देखा तो शेर आ रहा था। आगे दूर से देखा तो शेर आ रहा था। दूर से देखा तो शेर आ रहा था। आगे आगे दूर से देखा तो शेर आ रहा था। यार दूर से देखा शेर आ रहा था। दूर से देखा शेर आ रहा था। दूर से देखा शेर आ रहा था। आगे तो बोल। आगे क्या? आगे मैं गया ही नहीं ना। आगे मैं गया नहीं। अच्छा वो आगे गए नहीं तो जंगल के सारे शेर भाग जाते। प्लीज यार जो देखो शायरी ऐसी नहीं होती। शायरी ऐसी होती है दोस्तों मुलाजा फरमाइए अर्ज किया है। शुक्रिया शुक्रिया सर। अर्ज किया शायरी अच्छी थी यार गला साफ खराब है यार। शायरी आप सुनाओ। क्यों यार डिस्टर्ब कर रहा है? छमछम करते हुए आई। कौन 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 आई? कौन आई? तूने कहा छमछम करते। अरे शायरी है यार। छमछम करते आई छमछम करते चली गई। छमछम करते आई छमछम करते चली गई मैं सिंदूर लेके खड़ा था और राखी बांधती चली गई। अरे यार खैर जाने दे यार। शायरी कुमार बोली शायरी के साथ साथ तुम अच्छी एडवर्टाइजमेंट भी करते हो। यस। तो यार एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट सुनाओ। अंगूर की नई टूथपेस्ट। अंगूर की नई टूथपेस्ट। हेलो सर प्रणाम। जानते हाँ आए थे मीटिंग में। अच्छा 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 अंगूर की नई टूथपेस्ट। रोज लगाओ दांतों में। रोज लगाओ दांतों में। आगे अंगूर की नई टूथपेस्ट। अंगूर की नई टूथपेस्ट रोज लगाओ दांतों में। सारे दांत सारे दांत हाथों में। यार रैंचो एडवर्टाइजमेंट ऐसी नहीं होती। एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती है दोस्तों चुस्ती स्फूर्ति और तंदुरुस्ती के लिए। चुस्ती स्फूर्ति और तंदुरुस्ती के लिए रोज खाइए। क्या बात करो यार साहित्य कला परिषद के प्रोग्राम में है तुम क्या कर रहे हो यार? ये टोबैको गुटखा सिगरेट इसका नाम क्यों ले रहे हो? अरे तंबाकू गुटखा खाने से आदमी बूढ़ा नहीं होता। तंबाकू गुटखा खाने से इनके सेवन से आदमी बूढ़ा नहीं होता? हाँ पर कैसे? जवानी में समझ गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा समझ गया। थैंक यू। अच्छा ना नहीं नहीं थैंक यू तुमने वाकई मुझे नहीं बहुत बहुत अच्छी बात बताई। क्या है जो ये तो बातें होती रहेगी।
देखो आज हमारे सभी दर्शक यहाँ पर आ गए और हम दिल्ली में आए, दिल्ली वालों को दिल्ली में आए थे। तो यार देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे जितने भी आज के दर्शक बैठे हुए प्यारे रिस्पेक्टिव दर्शक, यहाँ जो क्या करते हैं क्या नहीं ये हमें सब पता है, लेकिन ये सभी जानना चाहते हैं। मुझे संदीप ने कहा कि भाई रेंचो क्या करता है ये सभी जानना चाहते हैं। मतलब तुम रोजी रोटी के लिए क्या करते हो? अच्छा रोजी रोटी के लिए, और रोजी रोटी के लिए क्या करते हो? मैं सरकारी दफ्तर में काम करता हूँ। क्यों? ये लोग के साथ साथ मैं भी अचंभे में हूँ। क्यों? तुम सरकारी दफ्तर में काम करते हो? तुम सर हाँ। ओके ओहो, तो तुम्हारे ड्यूटी का टाइम क्या है? जो 10 से 6, मतलब 10 बजे से काम शुरू होता होगा ना? मतलब 10 से 10:30। 10 से 10:30 की कक्षा। अच्छा 10:30 बजे तो काम शुरू होता होगा ना? मतलब 10:30 से 11 टी टाइम। अच्छा 11 बजे तो काम शुरू होता होगा ना? मतलब 11 से 11:30 फाइव ये मिलती। वाई फाई मिलते तब तो काम करते कि नहीं? लंच टाइम शुरू हो जाता है। मतलब 10 से 10:30 यहाँ की कक्षा, 10:30 से 11 टी टाइम, फिर तुम्हें फाइल लेनी थी, फाइल मिलते तो लंच टाइम शुरू हो जाता है। तो तुम काम कब करते हो? ये तो मेरा पार्ट टाइम जॉब है। तुम सरकारी दफ्तर में काम करते हो? ये तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब है। फिर फुल टाइम क्या करते हो? किसी को बताने नहीं। प्रॉमिस। फुल टाइम क्या करते हो? मेरी स्टेशनरी की दुकान भी है। तुम्हारी स्टेशनरी की दुकान भी है मुंबई में? भाई रहने की बात समझ में नहीं आई। अच्छी खासी तनख्वाह, सरकारी नौकरी, फिर तुम्हें स्टेशनरी की दुकान खोलने की क्या जरूरत पड़ी? ऑफिस की स्टेशनरी कहीं तो काम आनी चाहिए ना। अरे यार सब समझ गए, सारा तू ही समझ। ओके ओके ओके, चलो अच्छी बात है, तुम्हारा जवाब अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। आगे की क्या प्लानिंग? रो क्यों रहे हो? अरे भाई रो क्यों रहे हो? यार पहली तारीख को मेरे बॉस ने मुझे धक्के मार के निकाल दिया। मतलब ट्रांसफर कर दिया यार। मुंबई से तुम्हारा ट्रांसफर हो गया? हाँ। ओहो यार ऐसे काम काज करोगे तो ट्रांसफर तो होगा ही। नहीं नहीं बात वो नहीं थी, तो दूसरा कारण था। दूसरा कारण? हाँ। मतलब समझा नहीं। 31 दिसंबर को मेरी बॉस की शादी की सालगिरह थी। अच्छा जब बॉस की शादी की सालगिरह थी? हाँ। तो बॉस ने कहा जल्दी जाओ केक लेके आओ। वाह वाह वाह, तो केक की जिम्मेदारी तुम्हारी तुम्हें सौंपी थी। लेकिन यार इसमें ट्रांसफर का क्या, मतलब मैं समझा नहीं ट्रांसफर कैसे हुआ? तो बता ना। हाँ। यार केक वाले ने मिस्टेक कर दी। केक वाले ने मिस्टेक कर दी? हाँ। केक वाले ने क्या मिस्टेक कर दी? मेरे बॉस ने कहा। अच्छा बॉस ने क्या कहा? बॉस ने कहा रेंचो केक पे लिखो ना क्या शादी की 10वीं सालगिरह। शादी की 10वीं सालगिरह तपस्या के साथ। तपस्या के साथ? तो केक वाले ने लिखवा दिया। क्या 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 केक वाले ने क्या लिखवा दिया? शादी की 10वीं सालगिरह समस्या के साथ। तुम्हारी समस्या होगी और मैं तो क्या। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलो ओके चलो कोई बात नहीं। तो जहाँ जा रहे हो वहाँ मेरे से शुरुआत। तो ये जो पहली गलती करो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो टेंशन में हूँ। टेंशन में क्यों? अरे इंटरव्यू। अच्छा फिर से इंटरव्यू? हाँ। ओके कोई बात नहीं यार, मैं हूँ ना। तुम जाओ, तुम इंटरव्यू में पास हो जाओ, इसका नुस्खा है मेरे पास। कैसे? मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेता हूँ। तो मतलब ऐसे जस्ट प्रैक्टिस। ओके 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 रेंचो, एक आसान सवाल पूछूं कि तो मुश्किल? आई नो कैन पुट। सवाल पहला, बगैर दांत का कुत्ता अगर तुझे कुत्ता
से फिर से सवाल, बगैर दांत कुत्ता अगर तुझे काटे, अरे कुत्ते कुत्ते का सवाल क्यों पूछ रहा है? सवाल पहले कैंसिल, दूसरा सवाल। मेरे पास 5 कचोरी है, उसमें से 3 कचोरी मैंने पहले दे दी। भाई जो अर्जुन गार्डन से लिए थे, तुझे क्या था? मेरे पास 5 कचोरी है, पहले 3 कचोरी मैंने तुम्हें दे दिए, बचे हुए 2 कचोरी वो भी मैंने तुम्हें दे दिए, तो टोटल कचोरी तुम्हारे पास कितने हुए? 6। तुम्हारा दोस्त भी वहां से रहा है यार, प्लीज देखो मैं फिर से बताता हूँ। मेरे पास 5 कचोरी थे, पहले 2 दिए, फिर 3 दिए, तो टोटल कितने हुए तुम्हारे पास? 6 कैसे? अरे बॉस को फोन बाद में। नहीं नहीं तुमने क्यों बोला? अच्छा चाहिए था, चाहिए था। अच्छा अच्छा ठीक है, सिर्फ 5 रुपये चाहिए था। अरे बेवकूफ, ये पहले से मेरे पास था ना। ओहो यार, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा जॉब तुम्हें मुबारक, लेकिन प्रोग्राम के बाद इंटरव्यू में जाना। ओके दिल्ली में नहीं। अच्छा तो दिल्ली में नहीं, क्या कोई बात है, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। देखो रंजन, तुम